बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक नया लीड जनरेशन का प्रोजेक्ट, जिसमें मेरा जो काम था वो इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर का डेटा जो है फाइंड करना था। तो इस वीडियो का आपने जो कंप्लीट जरूर वॉच करना है, यहाँ पर जितनी भी जो जरूरी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए इसको हम शुरू कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ जो इस प्रोजेक्ट को हल करने के लिए मैं आप लोगों के साथ जो है टू वे शेयर करूँगा, यानी दो तरीके मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इसको आपने किस तरह से करना है। बाकी इससे पहले मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आपने इस प्रोजेक्ट को ख़ुद कम्प्लीट कर लिया, यानी अगर आपने इस पर ख़ुद प्रैक्टिस कर लिया और अगर आप इस प्रोजेक्ट को कर सकते हो, तो इसका मतलब ये कि आपके सामने जो भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का प्रोजेक्ट अगर आपके सामने आ जाता है, तो इसको फिर आप जो आसानी के साथ कर सकते हो। क्योंकि थोड़ा एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट है, तो इसलिए मैं आपसे ये रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को आपने जो है गौर से देखना है। यहाँ पर जितने भी जो ज़रूरी स्टेप है वो मैं आपको एक एक जो है मैं आपको स्टेप बाई स्टेप जो है सिखाऊँगा, ताकि आपको जो आसानी के साथ समझ आ जाए। तो चलो इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। मैं आपको जो है यहाँ पर अभी शो कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको क्लाइंट का जो इंस्ट्रक्शन है मैं आपको पढ़ लेता हूँ। यहाँ पर जो क्लाइंट ने लिखा, आई वॉन्ट यू टू गो इंस्टाग्राम इन सर्च फॉर इन्फ्लुएंसर इन सैन फ्रांसिस्को एंड पुट देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन स्प्रेडशीट। इसके बाद ये क्लाइंट ये चाहता था कि मैं उनके लिए जो है सैन फ्रांसिस्को का जो है उनका कुछ कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो है उनको मैं फाइंड करूँ, और उसको जो है मैंने एमएस एक्सेल में जो है मैंने ऐड करना है। यहाँ पर उन्होंने जो है पूरा जो इनका जो रिक्वायरमेंट उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप बाई स्टेप। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप जो इन्फ्लुएंसर को जो फाइंड कर रहे, मतलब जो भी इन्फ्लुएंसर को आप जो फाइंड करोगे वो जो है इन दो मतलब एड्रेस में होगा, एक जो है सैन फ्रांसिस्को और इसके अलावा जो है ऑकलैंड, यानी इन दोनों जो सिटी में होगा। ये दोनों जो है कैलिफोर्निया का जो है मेरे ख्याल से सिटी है। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो क्राइटेरिया वो ये है, मिनिमम ऑफ 10,000 फॉलोवर ऑन इंस्टाग्राम, यानी कम से कम 10,000 फॉलोवर जो है वो लाजमी होना चाहिए, ऐसे कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम फॉलोवर है तो उसको आपने जो ऐड नहीं करना है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो ये है, मैक्सिमम फॉलोइंग ऑफ 1,000 पीपल, यानी मैक्सिमम कम से मतलब इससे ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए फॉलोवर, यानी उन्होंने खुद जो फॉलोइंग वो मैं आपको जो है फिर बाद में समझाऊँगा कि इसका क्या मतलब है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो मैक्सिमम है 2,50,000, यानी कम, यानी उस जिससे ज़्यादा जो है फॉलोवर उनका नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो है इज़ एक्टिव हैज़ मेड पोस्ट एंड पास 7 डेज, यानी उन्होंने जो है पास जो 7 डेज है उनके दरमियान उन्होंने पोस्ट लाजमी किया होगा, यानी जो 7 दिन गुजरे हुए हैं उनके दरमियान उन्होंने लाजमी एक पोस्ट वगैरह किया होगा, उस पर्सन का जो डेटा आपने कलेक्ट करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो है हेज कंट्री के मेल ऑन दियर प्रोफाइल, उनके पास जो है उसका ईमेल एड्रेस भी होना चाहिए उनके प्रोफाइल पर। अच्छा, ये जो रिक्वायरमेंट ये क्लाइंट की तरफ से, क्लाइंट ये चाहता है कि आप ये जो रिक्वायरमेंट इनको लाजमी जो है फिल आउट करना, यानी ये जो जितने भी जो रिक्वायरमेंट वगैरह क्लाइंट ने लिखा हुआ है उनको आपने जो एक एक को आपने जो पढ़ना है, उनको समझना है, इसके बाद इसको आप इस पर आपने जो है काम करना है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 100 प्रोफाइल नीड फॉर दिस प्रोजेक्ट, यानी ये जो प्रोजेक्ट, यानी ये जो कैटेगरी क्लाइंट ने जो सेंड किया हुआ है, इस कैटेगरी के लिए क्लाइंट को जो है सिर्फ और सिर्फ 100 इन्फ्लुएंस का डेटा जो है चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन दिस स्प्रेडशीट वी वन फिल आउट कॉलम फॉर, यानी इस स्प्रेडशीट में आपने जो ये चीज़ें को आपने जो एम एस एक्सेल में आपने लिख देने, फुल नेम हो गया, जेंडर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ये एंटरप्रेन्योर है, फोटोग्राफर, टीचर एक्सेट्रा, यानी उसका कौन सी इंडस्ट्री के साथ उनका जो ताल्लुक है, यानी कैटेगरी जो है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो नंबर ऑफ़ फॉलोअर, इसके बाद नंबर ऑफ़ फॉलोइंग, अच्छा कॉन्टेक्ट ईमेल हो गया, इसके बाद जो दूसरा जो है नेम ऑफ इंस्टाग्राम हैंडल, इसके बाद लिंक टू इंस्टाग्राम हैंडल, यानी इंस्टाग्राम का जो नेम है उसको भी अपने यहाँ पर जो है मैंने सब कुछ यहाँ पर लिख दिया है, इस पर शुभ यहाँ पर फुल नेम, यानी जितनी भी चीज़ें इसको आपने ऑलरेडी यहाँ पर लिख देना है। अच्छा, यहाँ पर अभी इस पर मैं काम शुरू कर लेता हूँ। तो काम शुरू करने के लिए आपने यहाँ पर करना क्या है, आपने सॉरी यहाँ पर जो कुछ चीज़ मैंने छोड़ दिया वो ये है कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर नीचे आऊँ तो यहाँ पर जो एक लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, टिप्स टू फाइंड इन्फ्लुएंसर एंड स्पेसिफिक। अच्छा, यहाँ पर जो एक लाइन ने कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए वो ये है कि गूगल एलिस, यानी इसको आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो इन डेटा को। तो यहाँ पर क्लाइंट ने कहा कि ऑन इंस्टाग्राम यूज़ द सर्च टूल टू लुक थ्रू टॉप फोटो फिल्टर बाई प्लेस्ड, इसके बाद ऑन इन्फ्लुएंसर पेज हेड द ट्रिगर फेसिंग डाउन ऑन ओपन एंड सजेस्ट फॉर यू विच विल यूजली
लीड मॉडल इन्फ्लुएंसर या सिमिलर प्रोफाइल, तो इस प्रोजेक्ट का जो प्राइस था वो 30 डॉलर था। यहाँ पर ये जो चीज़ें इसको मैं आपको जो स्क्रीन पर मैं आपको समझाऊँगा कि क्लाइंट क्या कि क्लाइंट का यहाँ पर क्या मतलब था। तो यहाँ पर इसको शुरू करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले जो मैं खुद जो तरीका यूज़ कर देता हूँ, सबसे पहले मैं इस पर काम करूँगा, बाकी जो क्लाइंट का जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर जो उन्होंने जो समझाया था ये इस पर भी ये भी मैं आपको समझाऊँगा कि इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो खुद जो मैं जो तरीका यूज़ करता हूँ वो ये है कि यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, साइट में साइट लिख देता हूँ। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है डबल को यानी इसके बाद आपने जो है रेशो लिख देना है, इसके बाद instagram.com, इसके बाद स्पेस पे डबल कोटेशन पे, इसके बाद मैंने यहाँ पर जो है ये जो सिटी है यानी जो लोकेशन है इसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, इसके बाद डबल कोटेशन, इसके बाद पे मैंने एंटर दबा दिया। अब चाहे ये काम मैंने क्यों किया, ये इसलिए मैंने किया क्योंकि हमारा जो अब यहाँ पर जो टारगेट है यानी वो है इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम को यहाँ पर हमने लिख दिया सेट instagram.com। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो मेन जो टारगेट है वो है ये लोकेशन जो क्लाइंट ने यहाँ पर जो हमें प्रोवाइड किया हुआ है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लोकेशन हमारा जो है मेन टारगेट, एक लोकेशन ये हो गया एक ये हो गया, यानी ये दोनों लोकेशन का डेटा हमने जो है कलेक्ट करना है। तो ये दोनों जो है हमारा टारगेट है, तो इसलिए यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब क्लाइंट आपको जो भी जो प्रोजेक्ट्स वगैरह जब दे देता है तो वहाँ पर उसको आपने सबसे पहले समझ लेना, फिर अगर क्लाइंट चाहते कि उस उनके लिए आपने जो यू की का डेटा फाइंड करना है तो यहाँ पर आपने जो यू की मेंशन करना है, बाकी इसके बाद फिर से आपने डबल कोटेशन देना है, बाकी अगर कोई मेन जो कीवर्ड या कोई मेन जो चीज़ है तो वो आप उस यहाँ पर जो है आप मेंशन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कोई मेन चीज़ यहाँ पर कोई है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये मेन चीज़ ये जो लोकेशन है, तो इसको अब यहाँ पर हम कर लेते हैं। जिस तरह के यहाँ पर आप देख सकते हो क्लाइंट का जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि आपने इन यानी इस इलाके में जो लोग रहते हैं उनका डेटा आपने फाइंड करना है, और इसके साथ यहाँ पर उनका जो रिक्वायरमेंट है उनके साथ ये मैच भी करना होना चाहिए, बाकी उनका जो है कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ खास नहीं, तो इसलिए इन यहाँ पर मैंने ये चीज़ कर दिया। अच्छा यहाँ पर सब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सामने जो यहाँ पर डेटा अपेयर हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इस पहले अकाउंट को देखूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनका फॉलोवर जो है वो 281,000 है। तो ये क्लाइंट का जो इंस्ट्रक्शन है वो उसके साथ ये मैचिंग नहीं कर रहा है। इसके बाद उन्होंने 371 यानी उसका फॉलोइंग ये तो सही है, लेकिन उन इनका जो फॉलोवर है ये ज़्यादा है, तो इसको मैं नहीं करूँगा। इसके अलावा अगर इसको मैं देखूँ तो यहाँ पर जो है 299,000 है, तो ये भी ज़्यादा, इसको भी मैं ये करूँगा। यहाँ पर आपने जो एक एक को यहाँ पर आप देख सकते हो, बाकी इसको अगर आप ओपन करना चाहते हो ओपन भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपका टाइम ज़ाय नहीं करना चाहता क्योंकि यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है 196,000 फॉलोअर है इनका, और ये ही 1,000 जो इनका फॉलोइंग है। तो यहाँ पर जो आप इसको कर सकते हो क्योंकि उनका जो है अब फॉलोइंग रेट इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा इसको मैंने ओपन कर लिया। अब इसके अलावा यहाँ पर ये जो नेक्स्ट है इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ, इसको भी मैंने इसको मैं ओपन ये करूँगा क्योंकि इनका जो फॉलोअर है वो आप यहाँ पर देख सकते हो 2 मिलियन से भी अबाव है, तो इसको मैंने छोड़ लिया। इसके बाद यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर जो इसको आप देख सकते हो उनका फॉलोअर भी बहुत ज़्यादा है, इसका जो फॉलोइंग है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा यहाँ पर सबसे पहला वाला जो है इसको मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर जो है क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ जो ये मैचिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो उनका जो फॉलोअर है वो है 1,95,000, तो ये सही है। इसके बाद जो है इनका जो फॉलोइंग है वो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लाइंट ने जो यहाँ पर जो चीज़ हमसे मांगी थी वो है मैक्सिमम यानी इससे ज़्यादा जो है यानी इससे ज़्यादा जो है या इससे कम जो है नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम फॉलोइंग जो है वो 1,000 पीपल जो है लाजमी होना चाहिए, यानी मैक्सिमम मतलब इससे ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ पर जो है हम देखें मिनिमम जो इससे कम नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पर अगर यहाँ पर आप देख सकते हो 10,000, जिस तरह के यहाँ पर क्लाइंट का जो इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ पर जो है 10,000 से अबव फॉलोअर उनका होना चाहिए, और यानी यहाँ पर इसके बाद आप देख सकते हो 2,50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा ये जो है मैक्सिमम 100 यानी 1,000 पीपल फॉलोइंग उसका होना चाहिए, इससे ज़्यादा जो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इतना मैटर नहीं करता, ये 42 जो है सिर्फ ज़्यादा है तो इससे चार काम चल जाता है। अच्छा अब इसके लिए हमने करना क्या है, सबसे पहले काम हमने जो करना है वो ये है, जिस तरह के क्लाइंट का ये जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने सबसे पहला काम जो करना है वो फुल नेम इसका जो है उसको हमने ढूंढना है, इसके बाद इसका जेंडर जो इंडस्ट्री हो गया, नंबर ऑफ फॉलोअर, नंबर ऑफ़ फॉलोइंग, कॉन्टैक्ट ईमेल, नेम ऑफ इंस्टाग्राम एंड लिंक
टू द इंस्टाग्राम हैंडल। तो सबसे पहले मैं जो काम कर लेता हूँ वो ये, इसका जो इंस्टाग्राम का जो URL है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर जो इसको मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद इंस्टाग्राम नेम जो है, तो इसका इंस्टाग्राम का जो अकाउंट का जो नेम है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको मैंने कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद इसको जो है मैंने इस जगह पर पेस्ट कर दिया, सही है। अच्छा, यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद जो है इसका कॉन्टेक्ट ईमेल है, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो ये इसका कॉन्टेक्ट ईमेल है, तो इसको मैं जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैं यहाँ पर जो है पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद जो है नंबर ऑफ़ फॉलोइंग, यानी उन्हों कितने लोगों ने जो है उनका फॉलोइंग किया हुआ है, तो ये आप देख सकते हो ये जो चीज़ है फॉलोइंग, यानी कितने लोगों ने यानी इसने कितने लोगों का खुद फॉलो किया हुआ है, तो उसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसको मैंने जो है इस जगह पर भी पेस्ट कर दिया, सही है। अच्छा, इसके बाद जो एक टूल जो मैं आपको बताऊंगा इसको आप यूज़ कर सकते हो, ये बेहतरीन टूल, यहाँ पर इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ इस टूल पे। तो ये आपके सामने इस यानी ये जो लड़की है या जो इन्फ्लुएंसर है इसका जितने भी जो मेन जो ख़ास जो डेटा है वो यहाँ पर जो है सारा शो हो जाएगा। वैसे इस क्लाइंट ने मुझे और भी प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए थे, वो थोड़ा सा इससे भी ज़्यादा एडवांस लेवल के थे, तो उस पर भी मैं वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा किस पर मैंने काम किस तरह से किया था वो। तो इसके अलावा यहाँ पर जो है अभी अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है ये यानी जितने लोगों ने इनके पीछे जो है फॉलोइंग किया हुआ है, या देख सकते हो इनका जो एज है, इसके बाद इसका जो कंट्री है यानी कितनी कंट्री लोगों ने जो है इनकी फॉलोइंग वगैरह किया हुई है, यानी इसका जो ऑडियंस वगैरह है, इसके बाद जो है यहाँ पर ये इसका नेम है, यानी जितनी भी चीज़ें वगैरह यहाँ पर सब जो है मेंशन हुआ है। इसके बाद जो यहाँ पर इसका ब्लॉग है, तो इसको मैं ओपन करें तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका जो है अपना ऑफिशियल नाम है उसका जो है क्या है। तो ये अभी ओपन हो रहा है इसका जो नेम है। अच्छा, ये अभी वैसे भी ओपन हो रहा है, इसके अलावा यहाँ पर इस पर मैं काम कर लेता हूँ ये जो नेक्स्ट जो एंट्रीज है कि यहाँ पर जो है क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो फॉलोअर है वो है यानी 210,000 है। इसके अलावा इसका जो फॉलोइंग है ये 44, ये सही है। इसके अलावा जो है इसका यहाँ पर जो है उन्होंने अपना ईमेल भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अलावा जो इसको मैं ओपन करूँगा ताकि हमें जो है अच्छे से ईमेल मिल जाए, ऐसा नहीं कि ये ईमेल जो है काम नहीं कर रहा हो या कुछ भी मसला हो सकता है, तो इसलिए मैं इसको भी ओपन करूँगा। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है ये फोटोग्राफर है, तो इसको जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद जो इसका जो इंडस्ट्री है जिस तरह के क्लाइंट ने कहा था इसको आपने यहाँ पर जो है पेस्ट कर देना है। इसके बाद ये जो है फीमेल है, तो यहाँ पर मैं फीमेल लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने फीमेल जो है लिख दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये कि इसका नाम को हमने फाइंड करना है कि इसका अपना नाम क्या है, और इसके साथ साथ जो है दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि नंबर ऑफ़ फॉलोअर। तो नंबर ऑफ़ फॉलोअर के लिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है 1,95,997। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ 1,09,000, इसके बाद 5,97,000। मेरे ख्याल से ये सही मैंने लिख दिया 1,95,97,000। अच्छा, सही है, बस ये इसका जो है फॉलोवर है। तो यहाँ पर आपने जो इसका जो जितनी भी फॉलोवर है इसको आपने यहाँ पर जो है अच्छी तरह से लिख देना है। इसके लिए मैंने जो एक टूल यूज़ किया था, ये जो टूल है यहाँ पर जो इनका फॉलोवर जितनी भी फॉलोवर है यहाँ पर आपको एक एक जो यहाँ पर शो हो जाता है। तो यहाँ पर इसको आप जो है आसानी के साथ कॉपी भी कर सकते हैं अगर आपको टाइपिंग में जो है मसला है, अगर आपको टाइपिंग में जो है मज़ा नहीं आता तो यहाँ पर आप जो इसको कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसको मैंने छोड़ दिया, मैंने आपको नहीं बताया था। अच्छा, ये पर आप देख सकते हो ये इसका फॉलोइंग है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। अच्छा, तो ये जो वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो गया, इसके लिए भी आपने क्या करना है, इसका जो अबाउट सेक्शन है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर इसका जो अपना नाम है यहाँ पर वो शो हो जाएगा, तो इसको भी हमने फिर कॉपी करना है और वहाँ पर हमने ऐड करना है, क्योंकि क्लाइंट का ये इंस्ट्रक्शन था कि आपने जो इसका जो अपना नाम है इसको अपने लाजमी वहाँ पर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर अभी इसका कैप्शन टाइमलाइन ये जो है अभी
ये इसका नाम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शाशा यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसका नाम है। इसको मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद इसको मैंने यहाँ पर जो है पेस्ट कर दिया फुल नेम। अच्छा ये एक एंट्री जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। जिस तरह के यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो फुल नेम है यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसके बाद इसका जो जेंडर है ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद फोटोग्राफर ये भी हो गया, इसका फॉलोइंग ये भी हो गया, इसके बाद नंबर ऑफ़ फॉलोइंग ये भी हो गया, इसके बाद ईमेल कॉन्टैक्ट ईमेल ये भी हो गया, नंबर नेम ऑफ इंस्टाग्राम ये भी हो गया, लिंक टू इंस्टाग्राम हैंडल ये भी हो गया। यानी ये जितनी भी चीज़ें इसको आपने जो है लाजमी फिलअप करना है। तो यहाँ पर हमारे सामने जो एक एंट्री कंप्लीट हो गया। अच्छा अब यहाँ पर जो क्लाइंट जो निक जो तरीका यहाँ पर बताया था, जो मैंने आपको बताया था कि मैं इसको आपको समझाऊँ कि इसका क्या मतलब है, तो ये है कि क्लाइंट का ये क्लाइंट ये चाहता था कि आपने जो इस तरह से करना है कि यहाँ पर सपोज़ ये एक अकाउंट है इंस्टाग्राम का, तो इसको आपने ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर जो इसको आपने पेस्ट कर दे, यानी इसका जो नेम है, जिस तरह की ये कंट्री यानी ये जो सिटी है, ये इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दो तरीके बताऊंगा कि एक तरीका ये है कि आपने जो इसको कॉपी करना है, ये जो नेम है, अच्छा इसको आपने कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर जो इंस्टाग्राम जो सर्च यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। यहाँ पर जब आप इसको पेस्ट कर दोगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है कुछ डेटा अपेयर हो जाएगा, कुछ पिक्चर वगैरह, फिर आपने एक एक वहाँ पर आपने देख देना है और जो इसके साथ मैचिंग वगैरह कर देता हो तो वहाँ से आप कर सकते हो। लेकिन वो तरीके मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, आपको पता नहीं चलता कि इसमें मैंने कौन सी पिक्चर वगैरह कर लेना है। तो यह सही जो तरीका है वो सही। अच्छा इसके अलावा नेक जो चीज़ क्लाइंट ने जो बताया था वो भी बहुत ज़रूरी था, शायद आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा। यहाँ पर जो क्लाइंट ने ये चीज़ भी बताया था, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो कि मैक्सिमम ये जितनी भी चीज़ें इनको तो हमने कर लिया। यहाँ पर जो नेक जो चीज़ था वो ये था एज एक्टिव है, मतलब ही या शी जो भी है मेड अ पोस्ट इन 70 मतलब 70 डेज़, यानी उन्होंने यहाँ पर जो 70 डेज़ जो बेक है उन्होंने पोस्ट लाजमी किया होगा पीछे जो 70 डेज़ है। तो यहाँ पर उसको फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इसका जो पिक्चर इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर हमें जो अब ये शो हो जाएगा कि उन्होंने कितने दिन जो है पहले यहाँ पर पोस्ट वगैरह किया हुआ है। या तो यहाँ पर जो अभी आप देख सकते हो 25 मार्च जो है 25 मार्च पर उन्होंने जो एक पोस्ट किया हुआ है 25 मार्च, और यहाँ पर जो है अभी जो है जुलाई है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से जो ये इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इनका जो पोस्ट यानी जो क्लाइंट ने जो बताया था कि आपने जो इस तरह से फॉलो करना है, तो इस चीज़ को आपने जो है लाजमी चेक कर देना है, यहाँ पर आपने मिस्टेक नहीं करना है। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक नेक्स्ट को भी मैं देख लेता हूँ जिस तरह के ये है, ताकि आपको जो आसानी के साथ समझ आ जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देख किस इन्होंने जो यहाँ पर लिखा हुआ है 25 मार्च, तो ये पोस्ट उन्होंने जो लास्ट जो पोस्ट किया हुआ है ये 25 मार्च को किया हुआ है, और अभी जो तारीख है यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो वो ये है 14 जुलाई है, अभी 14 जुलाई है। तो इसका मतलब ये कि क्लाइंट ने जो हमें बताया था यहाँ पर आप देख सकते हो हैज़ मेड अ पोस्ट इन द पास्ट 70 डेज, यानी पास जो 70 डेज हो गए उनके यानी उनके दरमियान उन्होंने कोई पोस्ट वगैरह लाजमी किया होगा, लेकिन उन्होंने पोस्ट वगैरह नहीं किया है। तो इसका मतलब ये कि हमने ये जो एंट्री हमने जो क्लिक किया हुआ ये गलत एंट्री हमने क्लिक किया हुआ है। तो यहाँ पर आपने जो है देख लेना है, इस तरह एंट्री आपने नहीं करना है। तो इसको आपने जो है पहले सबसे पहले देख लेना है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए करा ताकि आपको समझ आ जाए कि इसको मैंने करना किस तरह से है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये सारा जो है रिमूव हो जाएगा। तो इसको आपने जो है ऐड नहीं करना है, सही है। अच्छा इसके बाद इसको मैं कर लेता हूँ रिमूव, क्योंकि ये हमारा काम का नहीं, क्योंकि क्लाइंट का जो इंस्ट्रक्शन था उसी के रिलेटेड हमने जो है आगे जाना है। तो यहाँ पर ये जो अकाउंट है ये भी क्लाइंट का जो इंस्ट्रक्शन है उसके साथ ये मैचिंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो फॉलोइंग है वो 210,000 है, इसके बाद इसका जो फॉलोइंग है वो 14 है, और क्लाइंट ने जो कहा था कि आपने जो 1,000 से ज़्यादा नहीं अबाव नहीं होना चाहिए, तो ये भी सही है, ये कम है। तो इसके बाद अगर यहाँ पर इसका पोस्ट पर मैं क्लिक कर दूँ, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि उन्होंने पोस्ट जो लास्ट पोस्ट किया वो कितने दिन पहले किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सॉरी यहाँ पर आप देख सकते हो 1 डे अगो, यानी एक दिन हो गया है उनका पोस्ट का। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोफाइल ये बिल्कुल 100% जो है एक्यूरेट प्रोफाइल है। तो इसको आप कर सकते हो, यानी इसका जो डाटा है इसको हमने कलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 1 डे अगो, यानी उन्होंने जो लास्ट जो पोस्ट किया हुआ है एक दिन हो गया इस पोस्ट का।
तो क्लाइंट ये चाहता था कि जो यानी जो यूज़र जो है अभी एक्टिव है तो उनका जो है डेटा वगैरह आपने कलेक्ट करना है। तो मुझे उम्मीद है कि जितनी भी चीज़ें थे उनका आपको समझ आ गया होगा। तो इसके लिए आपने अभी क्या करना है, जो तरीका मैंने आपको समझा लिया यहाँ पर, जिस तरह के मैंने आपको समझाया कि आपने जो इंडस्ट्री को भी आपने यहाँ पर ऐड करना है, इसके बाद इसका जेंडर फीमेल है, मेल इसका फुल नेम भी है, उसको भी आपने फाइंड करना है, इसके बाद नंबर ऑफ फॉलोअर, ये जितनी भी चीज़ें इसको मैंने आपको समझा ली कि आपने जो इसको इस तरह से करना है, बाकी 100 जो प्रोफाइल इसका डेटा आपने कलेक्ट करना है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि आप जो इस इसी आप प्रोजेक्ट से आप अपने लिए पोर्टफोलियो भी बना सकते हो। जो तरीका मैंने आपको समझा, आपने इसी को फॉलो करना है, और इसी अगर आपने जो ऐसे अपने लिए पोर्टफोलियो बना लिया और आपने जो अपने पोर अकाउंट पर इसको आपने मेंशन कर दिया, तो आपका जो 100% चांसेस है कि आपको जो प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल सकते हैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की, क्योंकि थोड़ा एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको एक एंट्री को हमने कम्प्लीट भी किया था, लेकिन फिर भी ये विल एंट्री नहीं, इसको हमने डिलीट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है मिस्टेक कर दिया। और वो मिस्टेक ये था कि क्लाइंट का जो इंस्ट्रक्शन था कि आपने जो है 70 डेज के दरमियान जो पोस्ट किए हुए क्लाइंट ने आपने उसको ऐड करना है। इसके अलावा ये निक जो यहाँ पर उनका जो चीज़ था वो ये था कि आपने ऐसे ज़्यादा फॉलोअर नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो है उन्होंने जो फॉलोइंग किया हुआ वो भी 1000, तो यहाँ पर ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, इसलिए प्रोजेक्ट थोड़ा सा एडवांस लेवल है। तो अगर आपने इसको खुद कंप्लीट कर दिया इस प्रोजेक्ट को और आपने जो इसे अपने लिए पोर्टफोलियो बना दिया, तो फिर आपका चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपको जो प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल सकते हैं पर पे। अच्छा, तो इसको भी आपने इसी तरीके से करना है। बाकी क्लाइंट जो तरीके बताया था वो ये था, और वो ये मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि आप सपोज इसका डेटा आपने जो है क्लिक कर लिया, इसके लिए आप जो है नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एरो का जो निशान है आपने इस पर क्लिक कर देना है, तो इसके रिलेटेड जितने भी अकाउंट है वो आपके सामने यहाँ पर अपेयर हो जाएगा। जिस तरह के इसको मैं ओपन कर लेता हूँ इस अकाउंट को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एड्रेस है यहाँ पर सेम है, ये एड्रेस भी यहाँ पर सेम है, तो वैसे भी हमें जो है इसी एड्रेस का डेटा जो है हमें चाहिए, तो इसका एड्रेस यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पर ये अकाउंट अभी ओपन हो रहा है, तो इसको हम देख लेते हैं कि इसका जो डेटा है ये हमारे इस अकाउंट के साथ जो है मैचिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बाकी ये जो अकाउंट है इसको आपने फिलअप करना, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें वो हमारे यानी सही है उसके साथ जो है जो कैटेगरी है यानी क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ ये मैचिंग कर रहा है, तो ये अकाउंट जो है इसको इसका डेटा आपने जो है कलेक्ट करना है। बाकी मैंने आपको समझाया कि आपने किस तरह से कलेक्ट करना है, तो अगर ये इसको मैं कलेक्ट करूँगा तो और भी ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये अकाउंट अभी ओपन हो रहा है, तो इसको मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर जो है उन्होंने क्या चीज़ें मेंशन किया हुआ है। बाकी यहाँ पर जो इस वक्त थोड़ा नेट का थोड़ा सा मसला इशू है, तो इसलिए आप जो है बाकी जितने भी जो चीज़ें वो मैंने आपको समझा ली कि आपने इस तरीके से करना है। अच्छा, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं इनका जो फॉलोइंग है वो है 2,81,000 है। अगर यहाँ पर मैं देखूँ क्लाइंट का जो इंस्ट्रक्शन था वो था 2,50,000, तो इसका जो फॉलोइंग रेट है वो यानी ज़्यादा है, इसको हमने नहीं करना है। तो इसको आप इसके अलावा यहाँ पर जो इन्होंने कोई ईमेल वगैरह भी नहीं दिया, ईमेल तो खैर आप यहाँ से अगर इस लिंक पर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर उनका जो ऑफिशियल अकाउंट ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप जो इसका ईमेल एड्रेस फाइंड कर सकते हो। ये इसके अलावा यहाँ पर ये जो अकाउंट है इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो क्या है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि बाकी आप तो वैसे भी मुझे उम्मीद है कि आपको जो समझ आ गया हो कि ये क्या चीज़ है, जितने भी चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें मैंने एक एक आप जो है आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर बाकी मैं एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी। तो यहाँ पर जिस तरह के मैंने आपको बताया, अब ये जो अकाउंट है इसका डेटा आपने जो यहाँ पर ये इसका नेम यानी ये इसका नेम के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर इसका जो अकाउंट ओपन हो जाएगा वहाँ पर आपने जो इसका नेम भी फाइंड करना है। इसके अलावा इसका ईमेल भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, अगर उसका ईमेल एड्रेस आपको नहीं मिल जाता फिर आपने इसको छोड़ देना है, क्योंकि क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है उन सबको आपने जो फिलअप करना है। तो यहाँ पर जो अब ये अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर जो उन्होंने कुछ डिटेल्स वगैरह दिया होगा अपने रिलेटेड जो है, तो यहाँ पर मैं वेट कर लेता हूँ कि ओपन हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है जितने भी डेटा है वो यहाँ पर अपेयर हो गया। अब यहाँ पर उनका जो है अपना एक वेबसाइट है, तो यहाँ पर इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पर जो है उनका जितने भी जो बाकी डिटेल्स वगैरह वो यहाँ पर सारा अपेयर हो जाएगा। तो इसको आपने जो है वहाँ से उनका ईमेल एड्रेस भी आपने वहाँ से फाइंड करना है, और इसके अलावा उसका जो नेम है वो भी आपने वहाँ से, क्योंकि इसका अपना नाम शायद नहीं है, तो वहाँ से आपने नेम भी उसको फाइंड करना है, और बाकी आपने जो है इस जगह पर आपने जो है पेश कर देना है। बाकी इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अच्छा, बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझा ली कि आपने जो इसी तरीके से आपने जो इस प्रोजेक्ट पर आपने काम करना है, आपने जो ये चीज़ अपने जहन में रख देना है कि आपने इस चीज़ को भी आपने चेकआउट करना है कि उन्होंने जो पोस्ट लास्ट पोस्ट जो किया हुआ है वो कितने दिन गुजर गए हैं। इस तरह नहीं कि आपने जो इनका मंथ गुजर हो गया या दो तीन महीने, तो आपने सिर्फ और सिर्फ 7 डेज़ या 8 डेज़ के दरमियान अगर खैर है तो फिर आपने उसी का जो है डेटा आपने कलेक्ट करना है। बाकी इसमें और कुछ चीज़ है भी नहीं कि जो मैं आपको समझाऊँ, जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको समझा लिया। तो आपने जो इस प्रोजेक्ट का आप जो कॉपी और कॉपी कर सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर, इस वीडियो को आप जो है पॉज यानी आप इसको आप रोक सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। फिर जितनी भी चीज़ें आपने अगर आप चाहते हो कि नहीं आप जो ये मुझे सेंड करो, तो इसके लिए आप जो आप इस तरह करो कि अपना जो आपका जो ईमेल एड्रेस है वो आप कमेंट कर दो, मैं आपको जो ये जितने भी प्रोजेक्ट है मैं आपको सेंड करूँगा, फिर इसे आप अपने लिए पोर्टफोलियो वगैरह बना सकते हो। तो आपने जो है बस ये काम करना है कि आपने जो ईमेल एड्रेस है वो आपने कमेंट करना है, और इस वीडियो को आपने जो है लाइक भी ज़रूर करना है। इसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है मैं इंशाल्लाह आपको सेंड करूँगा, इसे आप फिर आप अपने लिए पोर्टफोलियो वगैरह बना सकते हो। इंशाल्लाह इसी एडवांस जो प्रोजेक्ट है जो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, ये इस क्लाइंट ने मुझे दिए थे क्योंकि इस प्रोजेक्ट को मैं अच्छी तरीके से फिल आउट कर दिया था। क्योंकि अगर कुछ फ्रीलांसर इस तरह भी हो गए कि ये जो यानी ये जो एंट्री इसको तो मैंने कंप्लीट किया हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक ये था कि उन्होंने जो पोस्ट किया होता ये 1 मंथ बिफोर था, यानी 2-3 मंथ इनका हो गए थे, तो इसलिए इनको फिर मैंने डिलीट कर दिया, यानी इसको मैंने इसके साथ एड नहीं किया था क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक था। तो आपने जो है क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट होता है और उसको आपने जो है पूरा पढ़ लेना है, उसके बाद आपने जो है प्रोजेक्ट पे काम करना है। इस तरह नहीं कि आपने जो बस कुछ चीज़ें आपने जो मिस आउट करने और फिर क्लाइंट को जो आपने ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया, इस तरह आपने नहीं करना है, बल्कि आपने जो एक एक चीज़ को आपने जो है नज़र मतलब कर देना है क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट वगैरह। क्योंकि अगर आप जो है प्रोजेक्ट को सही तरीके से कर लेते हो फिर आपको जो क्लाइंट और भी प्रोजेक्ट्स वगैरह दे देते, जिस तरह के इस क्लाइंट ने मुझे जो है 3-4 प्रोजेक्ट और भी फिर दिए थे, उन्होंने मुझे हायर किया था। तो इस तरह आपने ये मिस्टेक वगैरह नहीं करना है। तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।